देखिए, आप जो पूछ रहे हैं, आपका शुक्रिया। पहले आपने ये बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। मसला ये है, सरकार ऑलवेज़ जो सरकार के अथॉरिटीज़ होती हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों की खिदमत की करें और जो सरकारी स्कीमें हैं उनको एडिट करें, उनको मॉडिफाई करें, मॉडरेट तरीके से उनको बनाकर लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए काम किया जाए। इसी तरह लास्ट ईयर जब यहाँ पे हमारे एलजी साहब ने ये एक मुहिम चलाई कि जो ज़मीनें हैं उसमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी हर एक महकमे की तरफ से कि जनाब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, हॉस्टल नहीं बन पा रहे थे, स्कूल नहीं बना पा रहे थे, जो पब्लिक के लिए बड़ी अहम चीज़ें हैं, इमारतें हैं, कंस्ट्रक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिक्कतें आ रही थी कि लोग ज़मीनें नहीं छोड़ रहे थे और या तो वो कंपनसेशन जो है उसका बहुत हाई डिमांड करते थे, कई एक जगह पे काम रोक कर स्टे लाया जाता था, बाकी चीज़ें की जाती थी। तो बहुत सारे महकमों की मिली जो रिपोर्टें थी, मिल के एक इकट्ठी रिपोर्टें गईं तो एलजी साहब के पास गईं और ये उस उनको ये पता चला कि एक बड़ी ज़मीन जो है, बड़ी तादाद में जो सरकारी ज़मीन है उसको ग्रैब किया गया है, उस पर घर बनाए गए हैं और वही लोग जो हैं सरकारी तामीर और तरक्की में रुकावट बनते जा रहे हैं। तो ऊपर से बड़े लंबे अरसे से अदालतों में भी ये केस चल रहा था कि सरकारी जो सरकारी ज़मीन है उसको ग्रैब किया गया है, उसको हड़प किया गया है और उससे मुश्किलें आ रही हैं। तो एलजी साहब ने स्टेप उठा लिया, सरकार ने स्टेप उठा लिया और ज़मीन को खाली कराने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे जो ये बेरोज़गार जमाते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ की पार्टी, हमारी लोकल पार्टी है, सॉरी पीडीपी जो अब लीड ले रहे हैं, और भी बाकी कांग्रेस के लोग जो गिने चुने बचे हैं, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने यहाँ के इस मासूम आवाम को धोखा देने की कोशिश करी और इतना बेशरम तरीके से प्रोपगंडा किया गया कि गरीबों को बताया गया, जो गरीब लोग थे जो थे उनका उनको इस्तेमाल किया गया, उनका नाम इस्तेमाल किया गया, गरीब को डराया गया, धमकाया गया, यानी कि गरीबों की नींदें उड़ाई गई। सरकार ने कुछ नहीं करना था, सरकार की वो जो स्कीम थी, जो प्लानिंग थी उसको मिसरिप्रेजेंट किया, उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई बदनाम करने के लिए। और आपने देखा कि किसी एक गरीब का भी घर उस दौरान नहीं हुआ, बल्कि अगर कुछ हुआ तो आपने देखा होगा कि वो मुजफ्फर शाह करके एक कोई बंदा है श्रीनगर में, और उसने क्या ड्रामाबाजी की, वो कैसे चला रहा था, वो उसका उसकी हालत क्या हो गई थी कि जब किसी के होटल पे सरकार ने लीड किया और वो कैसे वहाँ पे सरकारी अमले को धमका रहा था, कितनी शर्मनाक थी। मुझे आज भी उसकी शक्ल आ रही है, मैं कहता हूँ वो कितना कमज़र्फ और कितना बेशर्म आदमी है और किस बेशर्मी से वहाँ पर रोल अदा कर रहा था, सरकारी लोगों को वो डरा रहा था, धमका रहा था, बोल रहा था कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी हुकूमत आएगी। तो कहना मुझे ये है कि आप अपने परसों से देखा कि एलजी साहब ने उन्हीं दिनों से प्लान करा था और उसने दिल्ली से अप्रूवल लाई, अप्रूवल लाने के बाद उसने स्कीम चलाई, स्कीम चलाने के बाद उसने उसकी उसको लागू भी किया। पिछले 8 दिनों से आपने देखा होगा बारामूला, कपवाड़ा और कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ कि जो लैंडलेस लोग थे, जिनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आई थी, पटवारी साहिबान ने रिपोर्ट दी थी, वो पटवारी कोई पराया नहीं है, वो कोई दिल्ली राजस्थान का तो है नहीं, वो हमारे घर का ही बंदा है, हमारे लोकल के लोग हैं, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं। तो मिलके एक रिपोर्ट जो बनाई गई कि ये लैंडलेस लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो ये एलजी सरकारी थी, हमारे सिन्हा साहब ही हैं एलजी साहब, जिनकी आलीशान परफॉर्मेंस की वजह से उन गरीबों को पहली बार हक मिला है, जिनको आज तक इन लोगों ने कभी दिया नहीं, इन्होंने कभी उसकी फिक्र की नहीं। तो मैं कहूँगा कि सरकार जो स्टेप्स उठा रही है इस वक्त, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब स्पेशली वो जो काम कर रहे हैं, आपको पता है चीफ सेक्रेटरी साहब रोल्स आपको हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स की जो जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी 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 वो क्या उनकी मीटिंग्स लेता है और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ तक पहुँचाया गया। सरकार रोज़ नए नए तरीक़ों से वर्क का जो स्पीड है, काम की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से और यूज़फुल जो हो, जिसका जो बाकायदा है, जिसको एक लंबे अरसे तक जो सरकारी स्ट्रक्चर लोगों के काम है उस पर काम हो रहा है। तो अब मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कि वो जिस ढंग से जिस तरीके से काम करते हैं लोगों की बहबूदी के लिए, अल्लाह करे कि उनकी इस काम में ज़्यादा तरक्की हो और लोग यहाँ के आराम की ज़िंदगी गुजारें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, पैसे का सरकारी पैसा जो है जो आवाम के लिए होता है वो सही इस्तेमाल हो, इसकी हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी है। आपने देखा होगा जिन लोगों को ऑर्डर दिए गए, जी डीसी साहब की तरफ से जिनको ऑर्डर दिए गए, हमारी डीसी साहिबा की तरफ से जिनको ऑर्डर दिए गए, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने जब बातचीत की वो लोग कितने खुश थे, उनकी 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 उनको उनको पहली बार ये लगा कि उनकी दुनिया बन गई है, क्योंकि उनको कोई ज़मीन नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई गुजारा नहीं था
कि वो एक मरला या दो मरला ज़मीन खरीद पाते। अब जब उन्हीं को पाँच मरला ज़मीन मिली है और या आगे और भी मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं उनको उससे ज़्यादा, जैसे एसटी कम्युनिटी है उसको और ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो हम गुजारिश करेंगे कि इनमें भी, हाँ एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी है कि जैसे अगर कोई एसटी का है और वो लैंडलेस है, अगर कोई फार्मर है वो लैंडलेस है, पाँच मरले के बदले उसको बढ़ा दिया जाए, दस मरले कर दिया जाए, क्योंकि उसको मवेशी भी पालने को, मवेशियों से जो होगा उनकी इनकम बढ़ेगी और उनका क्या होगा कि वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, जो उनके घर में महिला होगी, चूँकि फार्मर तो होंगे वो बाय प्रोफेशन, लेकिन लैंड उनके पास नहीं है। अगर वो उनको और पाँच मरला ज़मीन मिलेगी, मे बी वो भेड़ बकरी बाकी मुर्गे वर्गे जो लोकल चीज़ें हैं जिसको सरकार बहुत काम कर रही है, या किचन गार्डन वगैरह बनाएं, उससे क्या होगा, उनको फ़ायदा रहेगा और उनकी इनकम बढ़ सकती है। सरकार से गुजारिश है कि उनको और पाँच मरले भी अगर दिए जाएँ तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो तो डेफिनेटली मवेशी पालते हैं और इसका बिज़नेस करते हैं, तो उनको भी उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन दी जाए, क्योंकि कम ज़मीन से वो मकान तो रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो बना पाएंगे, लेकिन सरकार को गुजारिश करता हूँ कि उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को, उनकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड उसके जो उसके अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भी अगर थोड़ी ज़मीन और दी जाए, उस पर वो एक्टिविटी करें और ताकि वो भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें और आगे बढ़ सकें, वो इस मुल्क का हिस्सा है, उनकी तरक्की उनका हक बनता है, तो ये भी गुजारिश करूँगा उसमें होना चाहिए।